एक और सवाल ले रहे हैं यहाँ पर विपिन कुमार है, ये भी एजुकेशन लोन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार विपिन, बताइए कहाँ से आप बातचीत कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं विपिन गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ जी। और बेसिकली मैंने जून 2009 में एजुकेशन लोन डिस्बर्स कराया था जी। तो उस टाइम पे मेरे को दो तीन बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि माफ कर दिए गए हैं। कुछ पार्ट तो मैं रिटेल कर चुका था, आई थिंक 6 मंथ पहले मेरे पता किया था 5-20 के लगभग मेरा आउटस्टैंडिंग आ रहा था। ठीक है, आपका टोटल अमाउंट कितना था लोन का? मेरा 4 लाख का लोन था, 2 लाख का 2009 में था और 2 लाख का 2010 में था। ठीक है, और आपने बताया कि जो टोटल पेंडिंग बकाया जो ब्याज का है और साथ ही प्रिंसिपल को मिलाकर 5 लाख से ऊपर की रकम है, फिलहाल ये सब्सिडी को लेकर जानना चाह रहे हैं। बलवंत साहब, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारे सवाल एजुकेशन लोन को लेकर आए हैं और खासकर की मॉरेटोरियम को लेकर काफी कंफ्यूजन है दर्शकों के मन में और जो लोन जिन्होंने लिया हुआ है उनके मन में कि क्या ये 2009 से पहले के लोन्स के लिए सब्सिडी है या फिर 2009 से बाद के लिए सब्सिडी है। और खास विपिन भी यही पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने 2009 में तो लिया था लेकिन जून में यानी अप्रैल के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में लिया था, तो ये कैसे सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं और इसकी बारीकियों को आप थोड़ा सा समझाइए। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि ये जो बजट आया था अंतरिम बजट, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्कीम अनाउंस करी थी कि जिन लोगों का एजुकेशन लोन 1 अप्रैल 2009 के पहले लिया हुआ है और अगर उसका आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2013 को तो उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा जिन लोगों ने लोन जो 1 अप्रैल 2009 के बाद में लिया है उनके लिए तो पहले से ही स्कीम प्रचलन में थी। तो जैसे इन्होंने विपिन जी ने 2009 जून में लोन लिया है तो उनको तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके तहत ही एप्लीकेशन कर सकते थे, पर ये एप्लीकेशन करने के लिए डेडलाइन होती है तो आपको उस डेडलाइन के पहले पहले अपनी जो ब्रांच जहां से लोन लिया डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और वो इन टर्न वो जो पेपर है वो केनरा बैंक को भेजते हैं जो मॉनिटरिंग बैंक है। अभी अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आपने जहां से जिस बैंक से लोन लिया है उनको अप्रोच करिए, उनको पूछिए कि अभी डॉक्यूमेंट आप आज सबमिट कर सकते हैं क्या, जो लेट डॉक्यूमेंट भी अगर एक्सेप्ट होते हैं क्या, तो उनसे पता लगाइए और फिर इनसे पता भी लगा लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगी जिनकी फैमिली की जो पेरेंटल इनकम है सालाना 4.5 लाख से या उससे कम है। अगर इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो वो नहीं मिलेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हर एक स्टेट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रेस्क्राइब की गई है जो आपकी पेरेंटल इनकम है वो सर्टिफाई करती है, कहीं पे तहसीलदार है कहीं पे कलेक्टर है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग अथॉरिटीज को अपॉइंट किया गया है ये सब सर्टिफाई करने के लिए कि आपकी पेरेंटल इनकम 4.5 लाख से कम है। अगर 4.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने का चांस ही नहीं है, भले लोन पहले लिया हो या बाद में लिया हो। यानी जो पहली जो कंडीशन है वो ये कि जो सालाना आय है परिवार की वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सब्सिडी स्कीम निकाली गई थी और ये बात यहां पर क्लियर की हमारे एक्सपर्ट ने कि सिर्फ 2009 से के बाद के लोन्स के लिए ऑलरेडी ये थी मौजूद थी लेकिन पिछले जो बजट आया था अंतरिम बजट उसके अंदर 2009 से पहले के लोन्स के लिए भी मॉरेटोरियम की घोषणा की गई थी। तो विपिन, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जिस बैंक से आपने एप्लीकेशन ली थी जहां से आपका डिसबर्स हुआ है वहां जाके अप्रोच करना होगा और जैसे बलवंत साहब ने बताया डॉक्यूमेंट्स वहीं से आपको पता लगेंगे एग्जैक्टली इनकम सर्टिफिकेट के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लोन्स के कुछ और भी सवाल हैं उनको लेकर जल्द लौटेंगे।